दोस्तों कैसे आप सब, मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हो फराज एक्शन। अगर मैं आपको बोलूँ आपको एक 5G फ़ोन लेना है जिसमें आजकल नया इन्फिनिटी हो, डिस्प्ले हो और आपको उसमें कैमरा बहुत ज़्यादा होना चाहिए और बहुत अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, तो आप कितने तक का ले सकते हो? अभी तक जो सबसे सस्ता इन्फिनिटी और डिस्प्ले का फ़ोन मुझे मालूम था वो था सैमसंग का A8s जो कि था 35,000 का। आज जो मैं आपको फ़ोन बताने वाला हूँ उसमें कैमरा इतना ज़्यादा है, डिस्प्ले इतना अच्छा है, 5G एनेबल फ़ोन है, सिर्फ और सिर्फ आप खरीद सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये का। वैसे उसका प्राइस 18 या 19,000 होने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली कुछ लीक्स निकल गए हैं इतना ढूंढने के बाद, इतना कुछ वेट करने के बाद, रेडमी 2 प्रो के। रेडमी प्रो आपको याद होगा बहुत अच्छा फ़ोन था, 2016 में लॉन्च हुआ था, ड्यूल कैमरा था, ये सब बहुत चीज़ें थी। लेकिन अब रेडमी प्रो 2 के बारे में लीक्स निकल गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्च कब हो रहा है। जो इसको एक्सपेक्ट करा जा रहा था लॉन्च होने का, वो दिसंबर में ही करा जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कुछ शायद लेट हो गया है ये, और मेरे ख्याल से जनवरी में ये जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये पूरा बेजल लेस आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर लेफ्ट में आपको एक छोटा सा होल होगा, उसमें आपका फ्रंट कैमरा होगा। तो ये पूरा स्क्रीन भी आ गया, थोड़ा नया सा अच्छा सा लुक लगेगा। साथ ही साथ इसकी मेन ऑफ द हाइलाइट्स ये कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का कैमरा, अब मुझे ये नहीं पता कि ये रेयर में होगा कि फ्रंट में होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अभी जो जो लीक्स है यही है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 SoC का प्रोसेसर देखने को मिला, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। अब रैम की अगर बात करूँ तो इसमें आपको 4GB रैम और आई गेस 6GB रैम का वेरिएंट भी इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करूँ तो ये एक 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन होने वाला है। प्लस अगर मैं बात करूँ तो इसके आप छोटा सा नीचे चेन आपको देखने को मिल जाएगी LCD के नीचे, और ये बैक जो इसका होने वाला वो एक ग्लास बैक होने वाला है। तो आई गेस ये एक वायरलेस चार्जर के साथ भी ज़रूर फ़ोन आएगा। अब ये फ़ोन है सिर्फ और सिर्फ 20,000, चाइना में एक है लॉन्च होने वाला है सिर्फ 20,000 रुपये में। तो आप सोच ही सकते हो, MI को भी पता है, रेडमी को पता है कि इंडिया में कितना कंपटीशन है और नई नई चीज़ें, और रेडमी कोशिश करता है सबसे सस्ता फ़ोन निकालने की और सबसे ज़्यादा चीज़ें देने की। तो जहां तक कन्फर्म्ड है वो ये है कि 18, 19, 20, इससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होगा। आप खुद सोचो, अगर इतने प्राइस रेंज में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और इतना हाई लेवल का फ़ोन देखने को मिलेगा तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो बस अब इसका जल्दी से जल्दी वेट है, जल्दी से जल्दी ये लॉन्च हो जाए। मुझे तो उम्मीद है शायद दिसंबर में ही हो जाए, वरना नहीं हो तो जनवरी के फर्स्ट वीक में तो ये हो जाना ही चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपको इस फ़ोन का कितना वेट है और आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन इतना सस्ता होने वाला है या नहीं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करिए। कोई भी क्वेश्चन है वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। दोस्तों कल मिलेंगे और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।